करेंगे, उसी पर प्रचार भी कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं उनका जो प्रचार चल रहा है, क्या वो सही है? देखिए, बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना है वो पहले मालूम कर लें, उसके बाद 4% की बात करें, वो नंबर वन। दूसरा, जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो रिलीजन पर नहीं मिल रहा है, उसमें एक लिस्ट है कि जो मुसलमानों की बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हीं को मिल रहा है, और जिस किसको नहीं मिलेगा उसका भी जिक्र है, और मिल रहा है तो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर मिल रहा है। आखिर बीजेपी अमित शाह को इतनी तकलीफ क्यों होती जब गरीब मुस्लिम परिवार के बेटे बेटियां प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ेंगे, टीचर बनेंगे, आरडीओ बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, नर्सेस बनेंगे, आखिर क्या तकलीफ है? देश मजबूत होगा ना, नेशनलिज्म आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता। जब मुसलमानों की डेवलपमेंट की बात आती है तो आपका नेशनलिज्म ख़त्म हो जाता। आपकी सरकार प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की आपने स्कॉलरशिप को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया, नहीं के बराबर है। आप क्यों कर रहे हैं भाई? नेशनलिज्म की बात जब करते हैं तो सब कम्युनिटीज अगर मजबूत होंगी तो हमारा देश मजबूत होगा ना, मगर आप एक 14% पॉपुलेशन को आपने पॉलिटिक्स से ख़त्म कर दिया। आप खुद टिकट नहीं देते, अब आप ये भी देख रहे हैं कि भाई ये लोग एजुकेशन में आ रहे हैं, रोजगार में, वो भी बंद करना चाहते हैं। तो ये बीजेपी की खुली खुली नफरत की निशानी है।